मेरे यहाँ जो लिखा हुआ था उसमें लिखा था कमला वसीम जेंडर एक्सपर्ट, तो उस पर दो जुमले। मैं मानती हूँ कि दुनिया में कोई भी जेंडर एक्सपर्ट नहीं हो सकता, हो सकती, क्योंकि जेंडर एक कोई डिसिप्लिन नहीं है। जेंडर हर डिसिप्लिन पर पर्सपेक्टिव है, ये एक नजरिया है। अब जैसे साइंस एंड जेंडर पर आई कैन नॉट बी एन एक्सपर्ट, ऑन रिलीजन एंड जेंडर आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं जेंडर की एक स्टूडेंट हूं। और मान लीजिए मैं एक्सपर्ट भी होती तो जेंडर एक्सपर्ट नहीं होती, जेंडर इक्वालिटी एक्सपर्ट होती, क्योंकि जेंडर इज अ न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, इट डज नॉट मीन इक्वालिटी। सबसे बड़े जेंडर एक्सपर्ट खाप पंचायत के लोग हैं, सबसे बड़े जेंडर एक्सपर्ट वो खड़ूस हैं, वो फंडामेंटलिस्ट हैं, जो समझते हैं कि औरत ने मोबाइल ले लिया तो उसका जनानगी खत्म हो गई, उसने जीन्स पहन ली तो वो लुट गई, वो बड़े जेंडर एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जेंडर वही रहे जो 3000 साल से चल रहा है। मैं जेंडर इक्वालिटी एक्सपर्ट हूं, सॉरी एक्टिविस्ट हूं, वो जेंडर इनइक्वालिटी एक्टिविस्ट है, और मैं चाहती हूं कि आप मुझे जुदा करें उनसे, मैं उनके साथ नहीं बैठना चाहती। और उम्मीद है आप में से कोई भी उनका साथ पसंद नहीं करेगा, करेगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं सलाम करना चाहती हूं उस हस्ती को जिसके नाम पर ये विमेन स्टडीज सेंटर है, सरोजनी नायडू। आई सल्यूट हर विजन, हर पॉलिटिक्स, हर पोएट्री, हर डेडिकेशन टू अ न्यू कंट्री कॉल्ड इंडिया, देन एन अमेजिंग अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। All of us women and men who believe in equality stand on the shoulders of women like Sarojini Naidu, like Rokia Shakhawat Hussain of Bengal, like Savitri Bai Phule, like her comrade Fatima Sheikh. These two women, the first school teachers, उन्हीं के मजबूत कंधों पर मेरे जैसी छोटी छोटी औरतें खड़ी हैं। आज वो अगर ना होती तो शायद हम और इतनी तमाम ख्वातीन जो यहां बैठी हैं और पढ़ रही हैं, हम ना होते। आई सल्यूट ऑल द फोर मदर्स एंड फोर फादर्स हु हैव वर्क्ड फॉर जेंडर इक्वालिटी। क्या करेंगे लोगों का, कुछ और कुर्सियां यहां भी आ सकती हैं अगर कुर्सियां हैं तो, कुछ लोग आप लोग यहां भी आ जाएं, कुछ यहां आ जाएंगे। मैं तो ये कह रही थी कि यार कोई हॉल दे सकते। हाँ दोस्तों, यहां केवल यूनिवर्सिटीज के लोग नहीं है, एक तंजीम है मुझे बहुत अजीज है, उन दोस्तों को मैंने बताया था कि मैं यहां बोल रही हूं, तो वहां से भी कुछ लोग आए हैं जो फ्रंटियर गांधी के बताए हुए अमन के रास्ते पर चलते हैं। तो मेरे दोस्त फैसल, उनको सीट नहीं मिली अभी, मेरी ले लो भैया, तुम आगे मेरी सीट पे बैठ जाओ, लो मैं तो खड़ी रहूंगी। खुदाई खिदमतगार अमन के लिए सरहदों के पार काम करते हैं। और दोस्तों आज सरहदें सिर्फ मुल्कों के बीच में नहीं है, सरहदें आज कास्ट्स के बीच में है, रिलीजन्स के बीच में है, यूनिवर्सिटीज के बीच में है, और डिसिप्लिन्स के बीच में है। हम सब इन सरहदों को मिटाने की कोशिश में हैं। संगत जिस तंजीम से मैं आई हूं, हमारा सबसे बड़ा स्लोगन है कि मैं सरहद पर बनी दीवार नहीं, मैं तो उस दीवार पर पड़ी दरार हूं। आई एम नॉट दैट वॉल विच डिवाइड्स, आई एम अ क्रैक इन दैट वॉल। तो हम सब क्रैक्स हैं, क्रैक पॉट्स हैं, और इन सब फिरका पसपरस्ती को मिटाने के लिए थोड़ा बहुत कर रहे हैं।
दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे, खबरदार मर्दों को खबरदार कर रहे हैं कि मर्दों खबरदार, पिदरशाही आपका बैंड बजा रही है। बरसों से, 150-200 साल से औरतें और मर्द बोलते आए हैं कि पिदरशाही औरतों का कितना नुकसान करती है। सबने उस पर बात की, मगर बहुत कम लोगों ने इस पे बात की कि पिदरशाही मर्दों का हुलिया कैसे बिगाड़ रही है। और आज मैं उस पर बात करने वाली हूं, व्हाट इज पेट्रियार्की डूइंग टू मेन एंड हाउ कम मेन डू नॉट रिकॉग्नाइज दिस, हाउ कम मेन हैव नॉट स्टार्टेड कैंपेन्स एंड मूवमेंट्स अगेंस्ट पेट्रियार्की। तो दोस्तों सबसे पहले ये कह दूं कि कुछ खास मर्दों ने जरूर पेट्रियार्की की मुखालफत की है। एज लॉन्ग एगो एज 2500 years, देयर वॉज अ मैन कॉल्ड गौतम हु बिकेम द बुद्धा। 2500 years अगो अ ग्रुप ऑफ वेमेन वेंट टू हिम व्हेन दे हर्ड कि उन्होंने एक शूद्र को अपने संघा में आने की इजाजत दी, आने का दावतनामा दिया और कहा देखो भैया मैं तो जाति खाति में नहीं मानता हूं। तो उनके वहां की औरतों ने सोचा कि अगर ये भाई जाति को नहीं मानता तो जरूर औरतों को भी बराबर के हक देगा। एंड दिस इज अ हिस्टोरिकल फैक्ट दैट 400 to 500 women गॉट टूगेदर एंड मार्च्ड, अब पता नहीं वो कितने सैकड़ों किलोमीटर चल के आई और बुद्ध के पास गई कि हम भी आपके संघा में आना चाहते हैं। हिंदुइज्म में औरतों को ये सब अलाउड नहीं था, वहां तो कहते थे कि अगर किसी औरत ने वेदों को सुन भी लिया तो उबलता हुआ सीसा डाल दो। तो ये आई बड़ी उम्मीद से आई, तो बुद्ध ने, इंटेलिजेंट मैन, ही न्यू द हिस्टोरिकल फैक्ट्स ऑफ दैट टाइम, ही सेड नो। उसने कहा मर जाऊंगा यार, ये लेडीज आ गई 400-500, मेरा संगा तो खत्म हो जाएगा, मंक मंकियों के जैसे कूदने लग जाएंगे औरतों को देख के, अब इनके लिए टॉयलेट का इंतजाम करो और दुनिया भर का इंतजाम करो। उन्होंने मना कर दिया, ये औरतें वापस नहीं गई। दे वेंट टू आनंदा हिज फर्स्ट डिसाइपल, बोले यार ये आपके डायरेक्टर साहब क्या कर रहे हैं, हमें भर्ती नहीं कर रहे, हमने तो जन्म दिया उसको। द लीडर ऑफ दैट विमेन्स ग्रुप वॉज हिज मौसी, जिन्होंने उसको पाला। इनकी अम्मी गुजर गई थी चाइल्ड बर्थ में, बुद्धा की मां। गौतमी वॉज लीडिंग दिस परेड, तो वो गई आनंदा के पास कि भैया वी डू नॉट एक्सेप्ट व्हाट द बुद्धा हैज सेड दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट अस, हम तो वापस नहीं जा रहे, उनको कह दो। तो बुद्धा बहन, बुद्धा मेट आनंदा, आनंदा एक्सप्लेन टू हिम सर दिस इज नॉट लॉजिकल, ये नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर जितने भी बड़े बड़े मंक्स हैं उन सबको बुलाओ। और 2500 साल पहले मीटिंग हुई। जब लोग कहते हैं कि फेमिनिज्म वेस्ट से आया है तो या तो वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में मर रहे हैं, उनको लगता है कि हर काम की चीज वेस्ट से आती है, क्योंकि उनका मोबाइल वेस्ट से आया, उनकी पतलूने वेस्ट से आई, उनके कटे हुए बाल वेस्ट से आए, वो समझते हैं कि सब कुछ वहां से आया अच्छा, या उनको अपनी तारीख का, अपनी हिस्ट्री का नहीं मालूम, उन 500 औरतों का नहीं मालूम और उस बुद्ध का नहीं मालूम जिन्होंने उनको कहा यस। 2500 साल पहले उन्होंने नो नहीं लिया एज एन आंसर। 1500 साल पहले एक और जबरदस्त वाइज मैन बाय द नेम ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1500 साल पहले उन्होंने मिडल ईस्ट में खवातीन को जो हकूक दिए, उस इलाके में जहां वो जीरो हक पाती थी, एजुकेशन का हक,
मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट बना दिया और तुम लिख सकती हो अपना निकाहनामा भी और तलाकनामा भी, तुम लिख दो आज तुमको जो चाहिए। जहां मर्द 50, 60, 70 शादियां करते थे, सिर्फ 4 शादी, और वो भी जो शर्तें हैं, कोई मर्द का बच्चा सेकंड वाइफ ला ही नहीं सकता। आप लोग, कुछ लोग कह सकते हो कि मगर उन्होंने औरतों के लिए तो 4 मर्द नहीं बताए। मैं मानती हूं कि ना तो बुद्ध ने ना प्रॉफिट ने हमें, मेरा ये विश्वास है, बराबर के हक नहीं दिए, मगर फिर भी मैं समझती हूं कि ये फेमिनिस्ट थे। अगर आप जीरो से, जीरो हक से 60-70% पर ले जाएं, 80% पर ले जाएं, ये इतना बड़ा रेवोल्यूशनरी कदम है। आप मुझे बताओ कि क्या यूएन ने हमको 0 से 100 पे पहुंचा दिया है? क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 0 से 100 पे पहुंचा दिया है? क्या सीडो ने पहुंचा दिया है? नहीं पहुंचाया। उसके बाद फर्ज था आने वाली पीढ़ियों का कि जहां उन्होंने लाके छोड़ा वहां से आगे ले जाएं, मगर आने वाली पीढ़ियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। दैट्स व्हाट आई बिलीव। उनका प्रिंसिपल क्या था दोनों का? वट एवर इज अनजस्ट नीड्स टू बी चैलेंज्ड। दैट इज द प्रिंसिपल, एंड ऑन दैट प्रिंसिपल वी नीड टू वर्क टुडे, रादर देन टू से कि उन्होंने 2500 साल पहले जो बुद्धा ने कहा था हम वो ही कहेंगे। तो मैं मानती हूं कि आप बुद्धा का कत्ल कर रहे हैं, आप उनके प्रिंसिपल को ही नहीं समझ रहे। तो इंडिविजुअल मेन हैव ऑलवेज अपोज्ड पेट्रियार्की। हर इंसाफ पसंद मर्द ने पितरशाही की मुखालफत की है। हमारी संगत का एक बैग है, क्या लिखा है जोर से पढ़ो। तो घटिया मर्द ही बराबरी से डरते हैं। और बदकिस्मती हमारी यह है कि यह दुनिया घटिया मर्दों से भरी पड़ी है। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम समझें, मेरे मर्द भाई समझें कि पितरशाही उनके साथ क्या कर रही है। तो हम चलते हैं अब। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैं आपको वार्न कर दूं कि मुझे सभिया ने 45 मिनट की तो इजाजत दी है। तो बैठोगे 45 मिनट? बैठ जाओगे? बेचारे खड़े हुए, उनका क्या होगा? ओ माशाल्लाह, क्या बात है, नीचे बैठे हो, माय गॉड, इनके लिए ताली बजाओ भाई। How nice! I love this atmosphere. अब मैं पेट्रियार्की पर आऊं, उसके पहले मैं एक और कॉन्सेप्ट है उसको साफ कर दूं, जेंडर। जैसे मैंने वो साफ किया कि मैं जेंडर एक्सपर्ट नहीं हूं। कुछ लोग आजकल, इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई है जिसका नाम है जेंडर चैंपियंस। हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी में मैं जाके उनको कहती हूँ कि भैया मिनिस्टर साहिबा को कह दो कि उसको जेंडर इक्वालिटी चैंपियन कहें, क्योंकि जेंडर चैंपियन दोनों हो सकते हैं। एक वो जो औरतों का रास्ता रोकता है, वो भी जेंडर चैंपियन है, बिकॉज जेंडर इज ए न्यूट्रल टर्म। सो व्हाट इज जेंडर? जेंडर समाज द्वारा दी गई लड़के और लड़की की परिभाषा है। हर औरत और मर्द की दो परिभाषाएं हैं। एक हमारी बायोलॉजिकल परिभाषा है, तो मर्द का जिस्म और औरत का जिस्म 3-4%, 5% फर्क है बस। 95% मर्दों और औरतों के जिस्म सेम टू सेम है। दो टांगे, दो हाथ, दो आंखें, दो कान, एक नाक, दिमाग, दिल, फेफड़े, जो दो तीन चीजें फर्क हैं, हमारे जेनिटल्स फर्क हैं। और औरतों को कुदरत ने डबल जिम्मेदारी छोड़ दी है, जिसके लिए मैं
عورت شکر گزار ہو. وہ ایک قوت جو دی ہے کہ میں اپنے جسم میں بچہ رکھ کے پیدا کر سکتی ہوں اور میں اپنے جسم سے اس کو سال دو سال تک بریسٹ فیڈ کر کے پال سکتی. اب بیچارے مردوں کے ساتھ مجھے ہمدردی ہے کہ آپ کو قدرت نے ایسے ڈیفیکٹیو ایسے گھٹیا جسم دیے ہیں, نہ تو یوٹرس ہے, وہ بریسٹ کے دو چھوٹے چھوٹے نشان بنا رکھے ہیں, مطلب کسی کام کے نہیں, ایک بوند دودھ میں نکل کے دیتا اور 56 انچ کی چھاتی لیے گھومتے ہیں. تو قدرت نے دوستو صرف ایک مقصد سے ہمیں فرق بنایا ہے. Can we keep quiet please rather than have your conversations because you are so close to me that I feel disturbed. قدرت نے صرف ایک مقصد سے عورت اور مرد کو الگ بنایا, اور صرف عورت اور مرد کو نہیں, ہر سپیسیز میں میل فیمیل کو الگ بنایا صرف ایک مقصد سے. بتاؤ تو صحیح کیا مقصد ہے وہ؟ ریپروڈکشن. کیول ریپروڈکشن کے لیے آپ اور میں فرق ہیں, اور ریپروڈکشن کے لیے کوآپریشن کی ضرورت ہے, مار پیٹ کی ضرورت نہیں ہے, وائلنس کی ضرورت نہیں ہے, سپیریورٹی انفیریورٹی کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات, قدرت ڈائیورسٹی میں بلیو کرتی ہے, انیکتا. دنیا میں 7.5 بلین لوگ ہیں دوستو, 750 کروڑ, ان میں سے دو لوگ بھی ایک دم ایک جیسے نہیں ہیں. قدرت کی ڈائیورسٹی دیکھیے. دیدی آپ اردو سمجھتی ہیں نا؟ میں فارسی میں بولوں گا, دری میں بولوں؟ نو پرابلم. اوکے, 750 کروڑ میں سارے الگ الگ نمونے ہیں. اس میں جیسے دیکھ لو کتنے نمونے بیٹھے ہیں. پیٹریارکی کیا کہتی ہے؟ سارے مرد ایک جیسا سوچتے ہیں. قدرت کہتی ہے کوئی بھی نہ ایک جیسا ہے نہ ایک جیسا سوچتا ہے. پیٹریارکی کہتی ہے کہ آدھی دنیا عورتوں کی ایسے سوچے ایسے بیہیو کریں اور آدھے مرد ایسے بیہیو کریں. ایسی ایسی بکواس. قدرت بھید بناتی ہے, نیچر کریٹس ڈفرنس. اتنے تمام الگ الگ رنگ, تمام الگ الگ سائزز, ادھر بھی ادھر بھی, کسی کی داڑھی کسی کی داڑھی نہیں, کسی کے لمبے بال کسی کا, یہ قدرت ڈائیورسٹی بناتی ہے, بھید بناتی ہے. قدرت بھید بھاو نہیں بناتی. قدرت نے آج تک نہیں کہا کہ مرد عورت سے بہتر ہے. قدرت نے نہیں کہا کہ گورا کالے سے بہتر ہے, ٹال اینڈ ہینڈسم چھوٹے والے مرد سے بہتر ہے, یا گوری عورت سانولی یا کالی عورت سے بہتر ہے. قدرت نے نہیں کہا کہ گلاب گیندے سے بہتر ہے. قدرت نے نہیں کہا کہ ہاتھی چوہے سے بہتر ہے. قدرت نے کہا کہ ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ ہے, اپنا اپنا مقام ہے, اپنی اپنی امپورٹنس ہے. یہ انسان ہے جس نے ذاتیں بنائی, جس نے مذاہب بنائے, جس نے امیر غریب بنائے, جس نے ٹال اینڈ ہینڈسم اینڈ فیئر اینڈ لولی بنائے, اور باقیوں کو کہا کہ یو آر ان فیئر اینڈ ان لولی. جینڈر کیا ہے؟ سماج نے کہا, قدرت نے نہیں کہا. سماج نے کہا کہ تو لڑکا ہے, تو یہ 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 کرے گا, یہ 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 نہیں کرے گا. تو لڑکی ہے, یہ 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 کرے گی, یہ 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 نہیں کرے گی. دیٹ از جینڈر, اینڈ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود نیچر اینڈ دا لا آف نیچر. ٹھیک ہے نا؟ مانتے ہو نا؟ جہاں تک نیچر کے حکم کا سوال ہے, سر ماتھے پر. وی فیمینسٹس ڈو ناٹ اپوز نیچر بیکاز نیچر ڈیڈ ناٹ میک اس انیکول.
our uterus did not make us unequal, our menstruation did not make us unequal. लेकिन हमारे menstruation से पैदा हुए religious leaders हमें कहते हैं कि because we menstruate we can't go to the masjid, we can't go to the mandir, हम फलाने मंदिर में नहीं जा सकते. अरे ये पता होता तो तेरे को पैदा ही नहीं करते हम. अरे हमारे खून से निकल रहा है, उस गंदे खून से, उस पाक खून से निकलकर नापाक बातें करता है. पहले पता होता तो तेरी एग्जिट ही बंद कर देते, पड़ा रहे अंदर. व्हाट इज जेंडर? दिस दुपट्टा इज जेंडर. जामिया में आ रही हूं, दुपट्टा पहन के जाऊं, नहीं तो मेरी बात नहीं सुनेंगे. माई जिस्म इज नॉट जेंडर, माई जिस्म इज सेक्स, जिसको कहते हैं. ये दुपट्टा जेंडर है, आप लोगों के ये कानों के वो और आपकी बिंदियां और आपके सिंदूर और मर्दों की मूछें और मर्दों की 56 इंच की छाती, ये सारा की सारा जेंडर है जो आपके ऊपर ऊपर से थोपा गया है और हम थुपवाते हैं बिना सोचे. मास्टर्स इन जेंडर स्टडीज हैं वो लिखने के लिए, एक्शन के लिए तो वही पेट्रियार्कल एक्शन. हिंदू औरतें कन्यादान करवा के शादी कर लेंगी और हिंदू लड़के एमए इन जेंडर स्टडीज कन्यादान लेके औरत को घर ले आएंगे. लानत है ऐसे एमए को जो इनइक्वालिटी को इस खूबसूरती के साथ धोता रहे. जेंडर स्टडीज डिग्रीज के लिए नहीं बनी थी, जेंडर स्टडीज जमाने में से पेट्रियार्की को निकालने के लिए बनी थी, निकालने के लिए, खत्म करने के लिए. तो दिस इज जेंडर. प्रॉब्लम इज नॉट जेंडर, द प्रॉब्लम इज पेट्रियार्की. अगर पेट्रियार्की ना होती तो जेंडर ये नहीं होता कि मर्द बाहर जाएगा, मर्द नहीं रोएगा, मर्द ताकतवर है. इट्स ओनली बिकॉज ऑफ पेट्रियार्की दैट मेन आर डिफाइंड लाइक दिस सुपीरियर and women are defined like that, inferior. अब मैं बता दूं पेट्रियार्की क्या है. सबसे पहले एक पुराना एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है ये. पेट्री माने क्या? फादर. आर्की माने रूल ऑफ. फादर्स रूल, फादर्स डोमिनेशन. मगर आज इसका मतलब बदल चुका है क्योंकि पेट्रियार्की सिर्फ परिवार में नहीं होती. अगर सिर्फ फैमिली में पेट्रियार्की होती देन दिस वर्ड वुड बी रेलेवेंट. मगर यूनिवर्सिटी में पेट्रियार्की है, पार्लियामेंट में पेट्रियार्की है, सड़क पर पेट्रियार्की है, पंचायत में पेट्रियार्की है. इसका मतलब रूल ऑफ द फादर आज इसका मतलब नहीं है. आज इसका मतलब है रूल ऑफ मैन. पिदर शाही की जगह अब ये है मर्द शाही. क्या है मर्द शाही? आई गिव द डेफिनेशन इन द मदर टंग ऑफ इंटेलेक्चुअल्स अंग्रेजी. फर्स्ट ऑफ ऑल पेट्रियार्की इज अ सोशल सिस्टम. ये नहीं है कि मेरे पिताजी खराब आदमी थे, उन्होंने मुझे आजादी नहीं दी. वो एक सिस्टम का हिस्सा थे और उस सिस्टम को मानते थे और उस वजह से अपनी विल में सिर्फ मेरे भाइयों को प्रॉपर्टी दे गए, मुझे नहीं दी. नॉट अ बैड मैन, ही वॉज पार्ट ऑफ अ सिस्टम. सो पेट्रियार्की इज अ सोशल सिस्टम लाइक कास्ट. नंबर टू, इन दिस सोशल सिस्टम मेन आर कंसिडर्ड टू बी सुपीरियर. And in this social system, men have more control, not 100% control. अगर 100% control होता तो आज इतनी सारी खवातीन यहाँ ऐसी ऐसी चेयर्स पे ना बैठी होंगी. हमें 5-10% दे देते हैं ताकि हम ज्यादा चिल्लाएं नहीं. जैसे एक आध मुसलमान को प्रेसिडेंट बना देते हैं, एक आध दलित को वाइस प्रेसिडेंट बना देते हैं, उसी तरह से हमें भी थोड़ा बहुत चुग्गा डालते हैं और हम चुप बैठे रहते हैं. Over three things, men have more control. All resources.
all decision making and all production of ideology. क्या सच है, क्या गलत है, क्या मजहब है, क्या गैर मजहबी है, क्या भगवान है, क्या शैतान है, वो डिफाइन कर गए सारा. अब इनसे पूछो कि भैया ये बताओ कि हाउ आर मेन सुपीरियर. तो जवाब है क्योंकि हम कह रहे हैं इसलिए सुपीरियर हैं हम. कितना साइंटिफिक है जवाब.